नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं बनाऊंगी पकोड़े। वैसे तो हमने काफ़ी पकोड़े खाए हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं चने के दाल से पकोड़े बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। अब मैं चने दाल के पाउडर इसमें ऐड करूंगी। आप ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है पाउडर, या फिर आप इसको रात भर चने के दाल को भिगो के रखिए, फिर सुबह इसको पीस लीजिए बिना पानी। अब पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है, एकदम झड़ा लेना है पानी को। उसके बाद आपको मिक्सी में दे के पीसना है। उसके बाद हमने यहाँ पर धनिया जो है वो रफली चॉप किया हुआ है, और यहाँ पर हमने कुछ हल्दी, नमक, कलौंजी और थोड़ा सा चीनी और हरी मिर्च, ये सब हम दे के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। हमें थोड़ा सा टाइट जो है पकोड़े थोड़े से टाइट तलने हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि चने के दाल जो है पाउडर वो आपको और थोड़ा चाहिए, तो आप उसमें और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, और इस तरीके से आप इसको फ्राई कीजिए। गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जो पकोड़े को डीप फ्राई में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे पकोड़े जो है बहुत ऑयली हो जाता है और बिल्कुल खाने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पकोड़े को इसी तरीके से शैलो फ्राई करूँ, और मैं इसी तरीके से कम तेल में फ्राई करके तलती हूँ। तो इस तरीके से आप तलिए और गर्मा गर्म चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ा बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए, पकोड़े जो है एक तरफ से बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन कलर इनमें आ चुका है। जब हम पकोड़े को तलते हैं तब हमें बिल्कुल लो फ्लेम में तलना चाहिए। जिससे हाई फ्लेम रखोगे तो ये पकोड़े जो है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं और अंदर से बिल्कुल कच्चा रहता है। इसीलिए हमें हमेशा लो फ्लेम में पकोड़े को तलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज का वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपसे फिर जल्द मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।